जबलपुर के पनागर में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और 3 गंभीर है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कटनी की तरफ से जबलपुर की तरफ जा रही जननी एक्सप्रेस पनागर में रुद्राक्ष ढाबे के सामने खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना में गर्भवती महिला रेखाबाई रावत उम्र 25 साल ग्राम इंदवार जिला उमरिया, उसके पति राजकुमार रावत उम्र 29 वर्ष और सास गीताबाई उम्र 50 वर्ष बुरी तरह घायल हो गए, जबकि जननी एक्सप्रेस के चालक सहित गर्भवती महिला के 2 रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में गर्भवती का भाई छोटू उर्फ सिपाही लाल कोल उम्र 22 वर्ष ग्राम सिरोज जिला कटनी, देवरानी पनियाबाई उम्र 25 वर्ष ग्राम दमहो जिला उमरिया सहित जननी एक्सप्रेस का चालक धन्नु यादव उम्र 18 वर्ष कोठला कटनी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कौन किया, कहां से आ रहे थे? एक कटनी से आ रहा था, मेरा साला था उस गाड़ी में जो जबलपुर आ रहा था। क्या नाम उनका? धन्नु यादव। कब आपको जानकारी लगी? पुलिस वालों ने कॉल किया था। क्या बताया? कि एक्सीडेंट हो गया इधर आज। कहाँ आ रहे थे? ये जबलपुर आ रहे थे कोई मरीज रीज लेके। ये उसमें थे 108। हाँ। आपका नाम? संजय यादव। संजय यादव, ये परिवार के इकलौते थे? जी। क्या करते, क्या थे इसके अलावा? कुछ नहीं सर, मजदूर ही का। और ये मतलब ड्राइवर के साथ आ गए? जी। नागर थाना अंतर्गत पनागर बाईपास पे देर रात जननी एक्सप्रेस ट्रक में घुस टकरा जाने से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, 2 लोग इलाजरत हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।